of class 3. Today we will write lesson 13, whose topic our national festival. National मतलब होता है राष्ट्रीय फेस्टिवल, मीन्स त्यौहार, हमारा राष्ट्रीय त्यौहार. इस लेसन का हम वर्ड्स मीनिंग राइट करेंगे. एक राउंड आपको मेरे साथ इसको रीड करिए. सेलिब्रेट मीन्स उत्सव या उत्सव मनाना या जश्न. SACRIFICE sacrifice, sacrifice means कुर्बानी या बलिदान. NATIONAL national, national means राष्ट्रीय या सारे देश का, उसे राष्ट्रीय कहते हैं national. IWUMINATED illuminated, net means होता है प्रकाशित करना या रोशनी करना. REPUBLIC रिपब्लिक, रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र या प्रजातंत्र राज्य. CULTURAL कल्चरल, कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक. PATRIOTIC पैट्रियोटिक, पैट्रियोटिक मीन्स देशभक्ति मूड या देशभक्ति. CONSTITUTION constitution means संविधान या संगठन. NATION nation, nation मतलब राष्ट्र या कौम. तो स्टूडेंट्स ये वर्ड्स मीनिंग आज आप लोग वर्ड्स मीनिंग की कॉपी में गुड हैंड राइटिंग से राइट करिएगा. Dear students of class 3, today we will write lesson 13, whose topic our national festival. National मतलब होता है राष्ट्रीय फेस्टिवल, मीन्स होता है त्यौहार, हमारा राष्ट्रीय त्यौहार. इसलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये प्रश्न दिए हैं उसका आंसर हमें देना है. फर्स्ट क्वेश्चन है Why is Independence Day celebrated? Why is Independence Day celebrated? इसका आंसर होगा On 15th of August in 1947, our country became free from the British Empire. So we celebrate.
अपराध से मुक्त हुआ था, इसलिए हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन बी, व्हेन डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे? हम रिपब्लिक मतलब होता है गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे हम कब मनाते हैं? तो रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। हम प्रत्येक साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन सी, हु टेक्स द सैल्यूट ऑफ रिपब्लिक डे परेड? यानी परेड को कौन सैल्यूट देता है गणतंत्र दिवस के दिन? द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्रेसिडेंट मीन्स होता है राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत टेक्स द सैल्यूट ऑफ रिपब्लिक डे परेड, यानी परेड को सैल्यूट हमारे देश के राष्ट्रपति देते हैं। लाल जी है, व्हेन एंड वेयर वाज महात्मा गांधी बोर्न? महात्मा गांधी का जन्म कब और कहां हुआ था? महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में है, वहां पर हुआ। लास्ट आंसर क्वेश्चन है, वेयर इज द समाधि ऑफ बापू? यानी बापू महात्मा गांधी कहा जाता है, महात्मा गांधी का समाधि कहाँ है? तो इसका आंसर होगा कि समाधि ऑफ बापू इज इन राजघाट, यानी महात्मा गांधी का समाधि राजघाट। तो इस प्रकार स्टूडेंट हमारा ये लेसन 13 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है। इस क्वेश्चन आंसर का आप गुड हैंड राइटिंग से क्वेश्चन आंसर की कॉपी में राइट करिएगा और लर्न करिएगा।